अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुनइन्फोटेक। दोस्तों, पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जो है उस पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जो पेसिस, उसी के रिलेटेड ये एक और वीडियो है। जो अभी तक मैंने इसके जो वीडियो बनाए उसी के साथ रिलेटेड ये वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम कैसे बल्क में जो अलाउंसेस हैं, जो डिडक्शंस हैं, उसको हम कैसे बल्क में या एट वन गो हम उसको कैसे कर सकते हैं, ताकि जो हमारा जो लेबर है, जो हमारा जो टाइम है वो बचे। तो ये टाइम बचाने के लिए या ये लेबर बचाने के लिए हम कैसे ये करेंगे, तो ये सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो पर बने रहेंगे और मेरे इस वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे, और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगी। तो दोस्तों, पहले हम अपना जो वेबसाइट है JKPaySys, इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद हम लॉगिन करते हैं। कैप्चा हम डालेंगे पहले और लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के साथ ही ये वेबसाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर मास्टर जो है, इसमें हम पहले एम्प्लॉय इन्फो देखेंगे, क्योंकि पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमें कितना लेबर लगता है, कितना टाइम लगता है एक एम्प्लॉय को अपडेट करने में, या उसके अलाउंसेस सबमिट करने में, या उसके डिडक्शंस। यहां पर एक एम्प्लॉय है, इसको हम लेते हैं। तो यहां पर हमने इस पर क्लिक किया, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर इसका ये जो डिटेल है, इसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। यहाँ पर देखिए अलाउंसेस जीरो दिखा रहा है, अलाउंसेस कुछ भी नहीं है और डिडक्शंस भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये बेस पे वगैरह है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हमने ये अपडेट करना है, इसमें अलाउंसेस वगैरह डालने हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एड अलाउंसेस। तो एड अलाउंसेस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये विंडो हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम अलाउंसेस इसके जो भी हैं वो हम यहाँ पर चूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो ये अलाउंसेस हम चूज कर रहे हैं। तो एक एक करके हमें ये अलाउंसेस यहाँ पर इसको देने हैं, तो यहाँ पर क्लिक करना है। ये तो हमने यहाँ पर अलाउंसेस ऐड किया, अब हम डिडक्शंस इसमें डालेंगे, इसी एम्प्लॉय के डिडक्शंस। तो ये देखिए कितना टाइम लगता है कि यहाँ पर ये विंडो आ गया। तो यहाँ पर हम डिडक्शंस भी डाल रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमने हर एक एम्प्लॉय के साथ करना ही करना है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमें एट वन गो हम ये कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इसमें अलाउंसेस वगैरह दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये जो हम अभी तक करते आ रहे हैं ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अमाउंट डालना है,
ये हमने डिडक्शंस यहां पर ऐड किए, तो यहां पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो हमने अपडेट किया यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपडेट पर। तो इस तरह से हमने एक एम्प्लॉय का अपडेट किया। लेकिन ये जो सारे जो एक्शंस हैं, ये जो सारे जो प्रोसेस हैं, ये हमने हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग से करने हैं। तो अगर हम इस कंबरसम जो ये जो जॉब हो गया, क्योंकि अब हमने एक एक करने हैं ये, तो इससे हम बच सकते हैं। तो वो कैसे, वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। तो यही मेरा मकसद है कि मैं आपको ये कैसे मतलब हम ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो टाइम है, लेबर है, ये कैसे हम बचाएं। तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर लॉग इन करेंगे, क्योंकि मैं लॉग आउट हुआ था यहाँ से। तो यहाँ पर मैं फिर से लॉग इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अलाउंसेस ऐड करेंगे, कौन सा अलाउंस हमने यहाँ पर ऐड करना है, तो वो यहाँ से हम चूज करेंगे। यहाँ पर ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे किस ग्रुप के लिए हमने ये अलाउंसेस देने हैं। शो पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप हमने सिलेक्ट किया उसके सारे एम्प्लॉयज यहाँ पर आ गए। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है, तो ये देखिए हो गया। तो एट वन गो इन सारे एम्प्लॉयज के अलाउंसेस हमने यहाँ पर ऐड किए। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से देखेंगे, यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे। इस एक का ऐड किया हुआ है, यहाँ पर हम मार्क ऑल पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से एमएबी ऐड हो गया इन सारे एम्प्लॉयज के लिए। तो एक एक करके अब जाने की जरूरत नहीं है। एक और देखेंगे यहां पर, शो पर क्लिक, मार्क ऑल पर क्लिक और सेव पर क्लिक, हो गया। एक और देखेंगे, चलिए ग्रुप यही रहने देते हैं। यहां पर शो पर क्लिक, यहां पर क्लिक और सेव पर क्लिक, हो गया ये भी। ये देखिए कितनी जल्दी हो रहा है इसमें, तो इसमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो ये देखिए जल्दी जल्दी बस एट वन गो हो रहा है सभी एम्प्लॉयज का। ओके, अब हम यहां पर डिडक्शंस ऐड करेंगे। तो डिडक्शंस ऐड करने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किया था। चलिए इसी ग्रुप के लिए करते हैं। तो
तो यहाँ पर डिडक्शंस, तो ये यहाँ पर शो पर क्लिक, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हमने अब ये डालना है एक एक करके। ये हमने जीपीएफ सुपीरियर यहाँ पर किया तो ये सबका अलग अलग होगा, इसलिए हमने यहाँ पर डालना है ऐसे। अगर हमारे पास कोई पुराना बिल होगा तो उसे हम ये ले सकते हैं, या शेड्यूल होगा उसे हम ये ले सकते हैं और जल्दी जल्दी यहाँ पर ये इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके एम्प्लॉय की डिटेल पर जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हो गया, देखिए कितनी जल्दी हमने ये किया। ओके, एक और डिडक्शन, चलिए एसएलआई, तो यहां पर मार्क ऑल करेंगे, सेव पर क्लिक। अभी हमने एसएलआई सिर्फ यहां पर सिलेक्ट किया तो अमाउंट हमने यहां पर नहीं डाला, वो हम बाद में डाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी सलाह में हमने पॉलिसी भी एड वगैरह करनी है तो वहाँ पर ये अमाउंट डालना है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक का अमाउंट डाला, यहाँ पर अप्लाई ऑल करेंगे, तो जब हम अप्लाई ऑल करते हैं तो सारे जो एम्प्लॉयज हैं उन पर ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए सेव पर क्लिक हो गया, इसी तरह से एक और डिडक्शन वेलफेयर फंड, यहां पर शो पर क्लिक, यहां पर 20 के बदले 10 ही करेंगे, अप्लाई ऑल, सेव पर क्लिक हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हम कैसे ब्लॉक में ये चीज कर सकते हैं। तो अब हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, वन बाय वन हमें एम्प्लॉय डिटेल पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये बल्क में कर सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारा लेबर भी बच जाएगा, क्योंकि कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है अगर उनको एक एक करके ये चीज़ करनी पड़े हर एक एम्प्लॉय के लिए। तो टाइम बचाने के लिए, लेबर बचाने के लिए, तो उस चीज़ को करने के लिए हम ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि और दोस्तों तक भी पहुँचे और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।